कार्तिक ने की ऐसी गलती, कप्तान होने बावजूद मांगनी पड़े खिलाड़ी से माफी। नमस्कार। आईपीएल सीजन 12 अब अपने आखिरी हफ्तों में है। टीमों के लिए एक एक मैच जीतना बेहद जरूरी हो गया है। ऐसे में खिलाड़ियों से हुई एक गलती भी बड़ी हो जाती है। इस सीजन में टीमों की सबसे बड़ी परेशानी फील्डिंग रही है। ऐसा ही कुछ हुआ आईपीएल के 47वें मैच में, जब 232 के स्कोर का पीछा कर रहे मुंबई के बल्लेबाज कुणाल और हार्दिक पांडे का बल्ला रन बरसाने लगा। ऐसे में उनकी जोड़ी को आउट करना केकेआर के लिए बेहद जरूरी हो गया था। 15वां ओवर डालने आए पीयूष चावला ने टीम को ये मौका दिया था, लेकिन कार्तिक और रॉबिन उथप्पा के बीच कुछ ऐसा हुआ कि ये मौका टीम के हाथ से ही निकल गया, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी चोटिल होने से भी बाल बाल बच गए। 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कुणाल ने कैच उठा दिया, लेकिन कार्तिक और रॉबिन दोनों गेंद को पकड़ने दौड़ गए। इस दौरान दोनों ने ना तो एक दूसरे को देखा ना ही आवाज सुनी, जिसकी वजह से दोनों खिलाड़ी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद रॉबिन काफी गुस्से में दिखे। वहीं कार्तिक उनसे माफी मांगते दिखाई दिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।